अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते दो आरोपी गिरफ्तार। नवागढ़ पुलिस की अवैध शराब, जुआ, सट्टा, गांजा तस्करी पर लगातार कार्रवाई से माफियाओं में दहशत का आलम है। नवागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते दो आरोपियों को नवागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 900 ग्राम गांजा बरामद किया गया। ये दोनों आरोपी अंकित सिंह चौहान और रमेश कुमार राठौर नवागढ़ के केरा तरह से आ रहे थे। मुखबिरी की सूचना पर इन दोनों को नवागढ़ पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा। दोनों आरोपी पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आज दिनांक 4/9/2021 को सवेरे जरिए मुखबिर सूचना मिला कि नवागढ़ में केरा तरफ से दो व्यक्ति अंकित सिंह चौहान और रमेश कुमार राठौर मोटरसाइकिल CG11 CD 8073 में बैठकर बीच में गांजा लेके आ रहे हैं की सूचना पर मौके पर जाके रेड कार्रवाई किया, जो आरोपी अंकित सिंह चौहान और रमेश कुमार राठौर दोनों के कब्जे से लगभग 900 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला, जिस पर अपराध क्रमांक 346/21 धारा 20B NDPS एक्ट कायम कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। जांजगीर चंपा से राजेंद्र रत्नाकर, छत्तीसगढ़ विजन TV।